अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आयशा राव। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और करेले। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी है, बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन करेले बनाने के लिए हमने सबसे पहले काम करना है, हमने करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 चम्मच ऑयल के, फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसमें मैं करेले डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। अब इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं करेले फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अभी हम इनको और फ्राई करेंगे, मतलब गोल्डन गोल्डन जब तक कलर नहीं आएगा तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करेले आप देख सकते हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। करेले मैंने निकाल लिए हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह। अब मैं इसमें जो ऑयल बचा हुआ था उसी में मैं प्याज डाल दूँगी और इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई हो चुका है हमारा, हमने इसको इतना फ्राई करना है बस, ठीक है। अब मैं इसमें मुर्गी डाल दूँगी। मुर्गी उबली हुई है पहले से ही, तो हमने इसको ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। मुर्गी में बस कलर लाना है हमें। अब इसको फ्राई करते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। मुर्गी को हमने 2 मिनट तक बस फ्राई किया, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर जो मैंने चॉप कर लिया, चॉप नहीं किया बस काटा ही, और एक मिर्च, हरी मिर्च। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूंगी, लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च ये भी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, और धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच है। आप अपनी मर्जी से मसाले ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इनको भी मिक्स कर देते हैं। अभी इनको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया, पका लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी करेले जो हमने पहले फ्राई कर लिए थे। अब इनको 2 मिनट के लिए हम फ्राई दम पे रख देंगे, फ्राई नहीं। 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे ताकि ये दम पे से रख दें ताकि अच्छे से गल जाए सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने दम दिया था, 2-3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से गल चुका है, पक चुका है हमारा। तो ये हमारे अच्छे से पक गया, तो अब हम इसको डिश ऑफ कर लेते हैं।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों तक शेयर भी करें। हमारी करेला चिकन रेसिपी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है और आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।